एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूँगी कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कौन सी स्किन पॉलिश जो है बहुत बेहतर होती है, आपके स्किन पे किस तरीके से स्किन ब्लीच की जा सकती है। मेरी स्किन का इस वक्त आप हाल देख सकते हो कि विदाउट स्किन पॉलिश स्किन ब्लीच क्या मेरी स्किन का हाल है। ये प्रोडक्ट जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो स्किन पॉलिश बहुत नाइस इफेक्ट इसका होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये दो बॉटल्स हैं, एक में लिक्विड होता है और एक में एक्टिवेटेड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, कांच का बर्तन लिया है, उसमें ये लिक्विड डाल दिया है। अगर मैं ये एक ढक्कन जो है अपने फेस के मुताबिक ये डाल रही हूँ लिक्विड, ये आप देख सकते हैं, ये तो इसका 1/3 हिस्सा बिल्कुल जो है ना लाइट सा, इसके अंदर जो है ना हम इसका एक्टिवेटर डालेंगे। देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से जो है एक फुल ढक्कन इसका डाला है, एक ये होता है इसका ढक्कन प्रॉपर डाल के। तो यहाँ पे मैंने ये अब इसका जो है पाउडर एक्टिवेटर यहाँ पे, ये देखिए, ये मैं 1/3 बिल्कुल लाइट सा लिया है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना रैश आ जाते हैं, ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो एक्टिवेटर डाला है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसमें लोशन डालना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपकी स्किन को रैश और रेडनेस से बचाती है, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने जो है ये सारे पेस्ट को अपने फेस पे और नेक पे, हैंड्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको जो है स्किन को अपनी कवर कर लिया है। 10 मिनट्स के बाद जो है ये खुद बहुत ड्राई होना शुरू हो गई थी, ये आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है इस पर ये ड्राई हो गया। अब इस पर मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया अच्छे तरीके से और अब इसका अच्छे तरीके से जो है आपको स्किन पे मसाज करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि पूरी ज़ोर आजमाई से मत करिएगा क्योंकि आपकी स्किन बहुत नाजुक होती है, तो ऐसे में जो है ना बहुत लाइट हैंड से, बहुत नरम उंगलियों से जो है आपने अपनी नेक को, अपने फेस को, अपने फोरहेड को सारा मसाज करना है अच्छे तरीके से। अब यकीन जानिए आप बिफ़ोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट देखेंगे तो आप खुद बहुत कहेंगे कि नहीं यार रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और यस, एंड पे आपको जो है इसको फेस वॉश करने के बाद ये डर्माकॉस का ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस लगाना है, इसके बाद इतना प्यारा नाइस सा ग्लॉसी सा इफेक्ट आता है और उसके बाद जो है ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाइस होगी। तो सेंसिटिव स्किन के लिए ये प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन है, आपकी स्किन को रिजेनोवेट करेगा, वाइटलाइज करेगा, सूथिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन को ऑक्सीजन फ्राहम करता है, मतलब ऑक्सीजन आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पे आप मेरी स्किन पे शाइन देख सकते हो विदाउट एनी फिल्टर, ये जो पिक्चर ली गई है और बहुत अच्छा रहा है इफेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये है बिफोर इफेक्ट एंड टाडा, दिस इज आफ्टर इफेक्ट और बेहतरीन इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस, बाय बाय।